Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ash Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 30th of July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. So the first thing that we always take is a motivational quote, that is silence and smile are two powerful tools. Smile is the way to solve many problems and silence is the way to avoid many problems. अगर प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं, तो दो फार्मूलाज को, दो तरीकों को हमेशा लाइफ में याद रखिए. अगर सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को तो हमेशा स्माइल करते रहिए. स्माइल करते रहने से काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है. और अगर आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं देन यू शुड बी साइलेंस एट द टाइम. ओके, सो दीज टू वेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनी थिंग एवरी टाइम इन योर लाइफ. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू डू स्माइलिंग एंड बी साइलेंस. ओके, द न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, हम न्यूज़ लेते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन. फोर ईयर यू जी कोर्सेज जो है एम फिल और फोर ईयर यू जी कोर्सेज इन एम फिल हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड दिस इज़ आउट इन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा वेंसडे को, जिसके अंदर जो है फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है कई तरह की मल्टीपल एंट्रीज के बेसिस पर और एग्जिट के बेसिस पर ऑप्शंस अवेलेबल किए गए हैं हमें. एंड इसके तहत क्या क्या चीज़ों को रखा गया है देखिए, एजुकेशन नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूल एजुकेशन के तहत यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 to class 10 बाय 2030. ओके, एंड मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड नंबर स्किल्स बाय 2025 एंड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5th वेयर एवर पॉसिबल. जहाँ पर भी पॉसिबल होगा मदर टंग रखेंगे क्लास 5th तक. ओके, न्यू सर्कुलर टू इंक्लूड 21st century स्किल्स लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6th. अदर देन दिस बोर्ड एग्जाम्स टू बी ईजियर एंड रीडिजाइन. बोर्ड एग्जाम्स ईजी हो जाएंगे, उन्हें रीडिजाइन किया जाएगा. हायर एजुकेशन की बात करूँ तो न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर जो है प्रोवाइड करवाया गया है सभी एजुकेशनल हायर एजुकेशन को के लिए, जिसके अंदर मेडिकल और लीगल कोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया गया है. इसके अलावा फ्लेक्सिबल होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी यू जी डिग्रीज जो है 3 to 4 years ड्यूरेशन की वो लॉन्च की गई है. इसके अलावा 1 to year का जो है 1 या 2 years का पीजी प्रोग्राम्स जिसके अंदर एमफिल इंक्लूडेड नहीं है उन्हें लॉन्च किया गया, उनकी बात की गई है. एंड मदर एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट इन 15 years. बेसिकली बात करें लर्निंग प्लान को लेकर तो पब्लिक स्पेंडिंग्स ऑन एजुकेशन बाय स्टेट सेंटर्स टू बी रेज बाय 6% ऑफ GDP. मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रीनेम कर दिया गया है, जिसके अंदर उसका जो नया नाम है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है. सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अच्छी, काफ़ी अच्छी नई एजुकेशनल पॉलिसी, लेकिन काफ़ी सारी उम्मीदें थी जो हम कह सकते हैं टूट गई है इस नई एजुकेशनल पॉलिसी से. बट स्टिल काफ़ी अच्छा जो है एजुकेशनल प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है. लैंग्वेज इशूज़ की भी बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन COVID-19. नाइट कर्फ्यू टू एंड अंडर अनलॉक 3 नॉर्म्स सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि अनलॉक 3 जो है उसे लॉन्च कर दिया गया. उसके तहत जो नाइट कर्फ्यू की बात की गई है, नाइट कर्फ्यू टू एंड अनलॉक 3 नॉर्म्स. ओके, एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है यहाँ पे. अ लुक एट सम ऑफ द अनलॉक 3 गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे. अनलॉक 3 के कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं वेंसडे को, उसके बारे में बात करते हैं. क्या क्या चीज़ें अलाउ है इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग नाइट आवर्स. रात के समय जो होता है मूवमेंट होता है उसे स्टार्ट कर दिया गया है. और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है वो लिमिटेड मैनर में चलेगी वंदे भारत मिशन के तहत. इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे का जो फंक्शन है वो सोशल डिस्टेंसिंग को और अदर जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए कंटिन्यू किया जाएगा. जिम और योगा सेंटर्स भी ओपन हो सकती है 5 अगस्त से.
इसके अलावा क्या नहीं अलाउ किया गया है, तो मेट्रो सर्विसेज, स्कूल कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स एंड बार्स, ऑडिटोरियम्स एंड सिमिलर प्लेसेस जो हैं ये सब बिल्कुल बैन है अभी भी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस आर नॉट अलाउड एट ऑल। सो दीज थिंग्स हैज़ बीन ऑलरेडी इम्पोज एंड जो चीज़ें अलाउ की गई है वो चीज़ें यहाँ पर लिस्टेड है ऑलरेडी। जो नहीं अलाउ की गई है वो भी हमने डिस्कस किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अभी भी अगस्त एंड तक एटलीस्ट जो है बंद रहेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें अलाउ की गई है उनके अंदर जो है नाइट आवर्स में मूवमेंट को अलाउ कर दिया गया है। इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस को भी अलाउ कर दिया गया है 15 अगस्त के, और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स जो है उसे भी एक लिमिटेड मैनर में वंदे भारत मिशन के तहत अलाउ कर दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है अनलॉक 3 की प्रक्रिया है। अनलॉक 3 की प्रक्रिया जो है पूरे देश में शुरू हो चुकी है और जिम्स ओपन हो गई है एंड वन डे फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, सॉरी, तो इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो है वन डे का ऑर्गेनाइज होगा, उसमें भी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और अदर फंक्शन, अदर जो नॉर्म्स है उन सबको फॉलो करते हुए फंक्शन को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं लॉकडाउन से संबंधित। एक अन्य न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है, फर्दर न्यूज़ इज रिलेटेड टू अयोध्या मंदिर एंड ट्रस्ट सेटअप। टू ट्रस्ट बन चुका है मॉस्क्यू को बनाने के लिए, अयोध्या में मॉस्क्यू के निर्माण के लिए, मतलब मस्जिद के निर्माण के लिए जो है ट्रस्ट बन चुका है। इससे दूर, बाबरी मस्जिद से दूर अगर बात करें 25 किलोमीटर दूर जो है प्लॉट अलॉट किया गया है मंदिर के एरिया से, डिस्प्यूटेड एरिया से। एंड अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई ट्रस्ट सेटअप नहीं हुआ है और इसको लेकर काफ़ी जो है लोगों के अंदर उत्तेजना नज़र आ रही, काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है लोगों में। 9 ट्रस्टीज अनाउंस हुए हैं। द ट्रस्ट विल बी कॉल्ड द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, बोर्ड चेयरपर्सन जुफर फारूकी सेड। एंड 9 ट्रस्टीज हैव बीन अनाउंस्ड वाइल इट विल को ऑप्ट द रिमेनिंग 6, द बोर्ड सेड। 4 out of 9 trustees आर एफिलिएटेड टू द बोर्ड, असोस सेड, एंड द ट्रस्ट हैज़ बीन नेम्ड एज इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ये चीज़ को ध्यान रखिए कि इसके लिए जो ट्रस्ट फाउंड किया गया है उसका नाम रखा गया है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ओके, द ट्रस्ट हैज़ ऑल्सो नेम्ड 4 members, दैट इज़ इमरान अहमद, मोहम्मद जुनैद एंड सिद्दीकी एंड मोहम्मद राशिद ऑफ लखनऊ एंड शेख सल्दुजाबान ऑफ बंदा। तो इस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो सब रखे गए हैं और इन सब ट्रस्टी जो है ट्रस्ट डेवलप किया गया है, बट स्टिल जो है अभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट सेटअप हो चुका है। एंड उम्मीद करते हैं कि कुछ एक्टिविटी होने के कारण हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जल्दी ही इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन की फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है ट्रबल इन नेपाल। नेपाल में जो है ट्रबल देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है किसी तरह की कोई डील ओली से करने के मूड में नहीं है, लेकिन वी हैव टू डू दिस वेदर ही इज़ आउटसाइड और स्टेज ऑन एज PM, चाहे वो PM की पोस्ट पे रहते हैं, चाहे उससे जो है बाहर निकल जाते हैं, बर्खास्त कर दिया जाता है वहाँ की जनता द्वारा, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में भी हमें जो है डील करनी होगी KP ओली से। द स्टॉर्म रेगिंग इन नेपाल्स रूलिंग पार्टी, दैट इज़ NCP, इज़ अगेन रॉकिंग दी खड़गा प्रसाद ओली गवर्नमेंट एंड पुटिंग काठमांडूज पॉलिटी इन सस्पेंस ओवर व्हाट माइट फॉलो, अ क्रूशियल मीट मेंट टू अनाउंस एन एंड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज टू लीडर्स। पार्टी के 2 लीडर्स जो हैं ओली और उनके जो राइवल है पुष्प कमल दहल, जो कि इन दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज ऑलरेडी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं, वॉज पोस्टपोन ऑन ट्यूजडे, और इससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स है वो ट्यूजडे तक पोस्टपोन कर दी गई है। लास्ट वीक टू राइवल्स फैक्शंस decided to put off a meeting of the standing committee after PM Oli failed to attend. Standing committee जिसको fail करने ओली जो है fail हो गए थे attend करने में, मतलब नहीं कर पाए थे वो,
उसके बाद में भी जो है काफ़ी फ्रैक्शनली सीजन्स ये जो है सामने आए हैं दोनों के बीच में. वाइल द बोन ऑफ कंटेंशन विच हैज़ रॉयल्ड पार्टी मेंबर्स इज़ दैट मिस्टर ओली कंटिन्यूज टू होल्ड टू पोस्ट. मिस्टर ओली बेसिकली दो पोस्ट कंटिन्यू करेंगे, एक तो एनसीपी चेयरपर्सन की और एक प्राइम मिनिस्टर की. इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम गोइंग ऑन एंड पार्टी मेंबर्स लीडिंग ओवर हिज ऑटोक्रेटिक स्टाइल. द दहल फैक्शन विच हैड मर्ज्ड विद द ओली लेड यूनाइटेड मार्किस्ट UML जो है यूनाइटेड मार्किस्ट लेनिस्ट जो है उसके थ्रू 2018 के अंदर जो दहल है वो ओली की पार्टी से जुड़े थे. वैन देयर कम्बाइन वॉन अ मैसिव मैंडेट इन द जनरल इलेक्शन. देखिए बात क्या आ रही है अब यहाँ पे ओवरऑल, जिस पार्टी से ये लोग जुड़े हुए हैं या जिस पार्टी में ये दोनों मेंबर्स हैं, दोनों ही अपोजिशन में स्टैंड कर रहे हैं PM पद के लिए, उम्मीदवार के लिए, है ना. दोनों ही उम्मीदवार एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं. तो बात क्या आ रही है कि अब अगर ओली पावर में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, इंडिया हैव टू डील विथ ओली एंड इट इज़ अ फैक्ट एट ऑल. चाहे ओली पावर में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, और ये भी फैक्ट है कि इन दोनों को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेपाल की जो मुसीबतें हैं डेमोक्रेसी को लेकर, या हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, वो कम नहीं होने वाली है. अल्टीमेटली द पर्सन्स आर फ्रॉम द सेम पार्टी एंड दे आर गोइंग टू लीड द कंट्री नो मैटर इट इज़ ओली और हिज ब्रदर एट ऑल. ब्रदर इट मीन्स द पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, मैनी ऑफ साउथ ब्लॉक विल टेक हर्ट एंड या एंड मे इवन रिजॉइस ओवर मिस्टर ओलीज ट्रबल्स गिवन हिज रिसेंट पेट्यूलेंट बिहेवियर विद द मोदी गवर्नमेंट. मोदी सरकार के साथ जो ओली ने अभी बर्ताव जो किया है, बॉर्डर पे जो इश्यूज़ देखने को मिले हैं उसको देखते हुए काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके आधार पर नेपाल, हम कह सकते हैं जो नेपाल है वो उसका जो सदर्न ब्लॉक है, सदर्न पोर्शन है, वो ओली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है. एंड इंडिया नेपाल टाइज भी काफ़ी जो है मुसीबत में आकर काफ़ी नीचे लेवल पर जा चुके हैं, काफ़ी संबंध ख़राब देखने को मिल रहे हैं दोनों के अंदर. अब देखते हैं कि दोनों की फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे काम करती है. इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मोदी गवर्नमेंट एंड इंडियन मिशन टू टेक अ मैच्योर स्टैंड. हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए ज़रूरी है कि हम एक मैच्योर स्टैंड लें कि हमें किस तरीके से नेपाल से डील करनी है, नेपाल की सरकार से डील करनी है. द लार्जेस्ट स्ट्रगल फॉर द कॉन्टिनेंस ऑफ नेपाल एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रेदर दैन एज अ पॉलिटब्यूरो स्टाइल पॉलिटी डोमिनेटेड बाई दी पार्टी अलाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ इट्स टसल. फाइल मिस्टर ओली इज़ आउट नंबर्ड इन द रूलिंग पार्टी स्ट्रक्चर ही हैज़ वॉन द मैंडेट. देखिए ये बात बता देती हूँ मैं आपको कि ओली चाहे आउट नंबर हो गए थे उसके बावजूद भी जो है उन वो सेलेक्ट हुए थे. एंड इवन ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले टाइम में भी उनका अगेन एज अ PM सेलेक्शन हो, है ना. तो समवेयर वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज टू डील विथ ओली एंड ओली इज़ गवर्नमेंट और वी कैन से नेपाल, बिकॉज जो डिस्प्यूट्स हमारे कंट्री के साथ में चल रहे हैं उनके, ओली की सरकार के स्पेशली, बेसिकली नेपाल के साथ में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है. ऐसे आज तक कोई मैटर नहीं आया जिसमें नेपाल के साथ कोई डिस्प्यूट हो, काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं. लेकिन नेपाल के साथ में रिसेंट जो इशूज़ हैं वो ओली और ओली की सरकार के द्वारा हैं. तो ओली की सरकार, अगर ओली खड़े नहीं भी होते हैं तो दहल जो कि ओली के अपोजिशन में है वो भी सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं और सेम तरह के पर्सन हैं. तो इस तरह अगर हम, और अगर वो पावर में आ भी जाते हैं तो ओली विल ऑल्सो बी इन पावर, दिस इज़ अ फैक्ट. सो वी हैव टू बी रेडी अबाउट वॉट इज़ गोइंग फॉर द नेक्स्ट. ओके, इट वॉज ऑल अबाउट ट्रबल इन नेपाल. और अगर हम बात करें नेपाल की खुद की तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्रबल सम, या हम कह सकते हैं ट्रबल की जो पोजिशन है वहाँ देखने को मिल रही है. और आगे भी ओली की, तो ओली से ऑलरेडी वहाँ की जो जनता है काफ़ी ओली सरकार से डिसअपॉइंटेड थी. और इन सभी को देखते हुए अगर फर्दर फिर से वही पर्सन अपॉइंट हो जाते हैं तो वहाँ की सरकार में जो एग्रेसिवनेस है वो क्लियरली देखने को मिलेगी. ओके, द नेक्स्ट इज़ फॉल फ्रॉम ग्रेस. मलेशियन PM मुहिद्दीन मस्ट नॉट अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ और टू क्लिंग टू पावर फॉर ओवर 4 decades. नाजिब रजाक
was one of the most powerful voices of Malaysian politics, the son of the former PM, a legislator for decades, and all-powerful Prime Minister of the 9 years. He suffered the biggest setback in his eventful career on Tuesday when he trial court found him guilty on 7 corruption charges. देखिए बहुत 4 डिकेट से नाजिब रजाक द्वारा जो अपना मोस्ट पावरफुल वॉइस जो कहलाती थी मलेशिया की पॉलिटिक्स की और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो बेटे रह चुके हैं और लेजिस्लेटर और काफ़ी टाइम तक जो है काफ़ी हम कह सकते हैं फॉर अ डिकेड ही इज़ अ मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ देयर पर्टिकुलर सेक्शन एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स फॉर 9 ईयर्स तक काफ़ी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सामने रहे आए हैं. He suffered the biggest setback. उन्होंने पहली बार लाइफ में बहुत ही बुरी तरीके से हार को सफ़र किया है, हम कह सकते हैं सेटबैक को सफ़र किया है. उसका रीज़न क्या है, जब ट्यूसडे को उन्हें कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट में 7 करप्शन चार्जेस चार्ज किए गए हैं उनके ऊपर. उनका कनेक्शन बताया गया है 1 मलेशिया डेवलपमेंट BHD 1 MBD फिनेंशियल फ्रॉड जो हुआ है उसके अंदर उनका कनेक्शन बताया गया है. ही वॉज सेंटेंस्ड टू 12 ईयर्स इन प्रिजन, 12 वर्षों का जो है कैद उन्हें दी गई है एंड $50 मिलियन का फाइन भी उनके ऊपर चार्ज किया गया है. बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर एलिगेटली स्टोलन फ्रॉम दी 1 MBD. बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इस 1 MBD वाले केस के अंदर 1 MBD के फ्रॉड के अंदर जो है चुराए गए थे या इस यहाँ से जो है गबन किया गया था, गपला किया गया था इस चीज़ का. तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आई है कि रिसेंटली मलेशियन PM जो है वो अपने आप में काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं. जिस तरीके से उनका ग्रेस उन्होंने इतने सालों में बना के रखा है वो ग्रेस एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में एक ही पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर पूरी तरीके से नीचे आ चुका है. और उन्होंने जिस लेवल पे जाकर के अपना काम किया है मलेशिया में, जिस लेवल पे उन्होंने खुद को प्रूव किया है अपने वर्क के साथ में, एक 1 MBD वाले मुद्दे के अंदर 1 MBD जो ये पूरा फ्रॉड केस है उसके अंदर उनका नाम आते ही सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो पे जा चुकी है. इवन उन्हें जो है ये स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, ये सज़ा दी जा रही है उनको और जो है 12 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है. उसी के साथ में उनको $50 मिलियन का जो है फाइन चार्ज करने को कहा गया है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक देश के अंदर अगर हम बात करें, एक ऑनेस्ट कंट्री के अंदर की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर भी अगर गलत है या कोई भी बड़े से बड़ा इंसान गलत है तो उसे भी सज़ा दी जानी चाहिए इफ़ ही और शी इज़ रॉन्ग एट ऑल. ये इस मलेशिया के इस मुद्दे से देखने की ज़रूरत है नेपाल को, मुझे ऐसा लगता है, और कई सारी कंट्रीज़ को जिनके अंदर ये एक गलतफहमी है कि जहाँ पे पावरफुल लोगों की बड़ी चलती है, जो जो पर्सन पिछले कई सालों से पावरफुल फॉर्म में रहा है जिसकी हम बात करें नाजिब रजाक, अब वो बुरी तरीके से नीचे आकर गिरा है ना. तो इस तरीके से फॉल ऑफ ग्रेस यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से, और पूरा आप इसे पढ़िए पूरे आर्टिकल को. पूरे आर्टिकल के अंदर उसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि वो क्या था, कैसे था, किन किन चीज़ों को उसने फेस किया है, किन किन का अपोजिशन उसने फेस किया है और अभी क्या कंडीशंस उसके अंदर क्रिएट हुई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है. आगे नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे, क्वेस्ट ऑफ ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी. बेटर अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, इंटेंस पार्टनरशिप की ज़रूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ गार्ड के साथ में हमें डोमेन जो है उनको कंटेस्टेड, मोर डोमेन को कंटेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन उन सभी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एक्स्ट्रा सेफ गार्ड की ज़रूरत है और उसके साथ में वर्क करने की ज़रूरत है. साइबर इनसिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ मैट मुद्दे को डिस्कस किया गया है सैयद अकबरुद्दीन सर द्वारा, जिन्होंने जो, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ सैयद सर के बारे में, ये इंडिया के पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं और इंडियाज़ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एट द यूनाइटेड नेशंस, UN के अंदर जो है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है ये पार्लियामेंट्री. इन्होंने ये आर्टिकल दिया है जिसके अंदर जो है
पूरी तरीके से साइबर इनसिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है. ग्लोबल नो ग्लोबल कॉमन्स एंड गैप्स इन करंट प्रोसेसेस. अदर देन दिस मोर एंगेजमेंट की बात की गई है कि और ज़्यादा एंगेजमेंट की ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी के तहत. और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमें कैसे किस तरीके से जो है बेटर अरेंजमेंट्स के साथ में, बेटर सिक्योरिटी के साथ में, बेटर पार्टनरशिप्स के साथ में सेफगार्ड पर वर्क करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी पर वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज COVID-19 एंड अ कंट्री क्लब इंडिया मस्ट लीव. इंस्टेड अपॉर्चुनिटी अवेट्स द नेशन टू जॉइन अदर स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अ जस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. ऐसी कंट्रीज, ऐसे नेशंस की यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है. जो कंट्रीज़ या जो नेशंस जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की वैल्यू को और उस पर कार्य करने या उसके साथ में इंडिया के जुड़ने की अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. ठीक है, एज अ बिलियन इंडियंस वॉच विथ ऑनर सॉरी हॉरर एज द पेंडेमिक स्वीप्स द लैंड मैनी लुक विथ एवरी ऑफ द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ अस वेयर द वायरस ओरिजिनेटेड एंड टू द वेस्ट ऑफ अस टू यूरोप विच वर डिवास्टेड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो बट अपीयर टू हैव बीटन द बग एंड आर स्टार्टिंग टू रिपेयर देयर सोसाइटीज. वॉट इज़ इट? बेसिकली जहाँ पर इंडिया में टॉप पर जा चुका है COVID-19 और हम पूरी तरीके से डर चुके हैं इन सारी चीज़ों से, पेंडेमिक से, अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, हम में से काफ़ी जनसंख्या ऐसी है या काफ़ी सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जो कि हमारे ईस्ट की तरफ देखते हैं, जिसमें हमने देखा है किसे जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वायरस का. काफ़ी लोग हैं जो वेस्ट की तरफ देखते हैं जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज़ दिखाई देती है, जिसमें मैक्सिमम लेवल पर लोगों ने इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल भी कर लिया है, इससे ओवरकम करके और कुछ ही महीनों के, कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर वो टॉप पर अपनी जो है अपनी हम कह सकते हैं जो सिस्टम है पूरा अपना सिस्टम बिल्डअप करने में लग चुकी है और अपने आप को टॉप कंट्रीज़ के रूप में प्रूव भी कर चुकी हैं. तो इस तरीके से जहाँ हम लोग पूरी तरीके से इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर की कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम उन कंट्रीज़ के साथ में क्लब होकर के और इस तरीके की फॉर्मेशन, इस तरह का फॉर्मेशन बनाएं, इस तरह का माहौल क्रिएट करें, या उन लोगों ने किन पॉलिसीज़ को सीखा है, किन पॉलिसीज़ के थ्रू COVID-19 से ओवरकम किया है, हेल्थ केयर सिस्टम क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को समझने और देखने की ज़रूरत है और इन सारी जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हमारे देश में. बिकॉज़ ये जो टाइम है ये सोचने समझने देखने का नहीं है, ये ऑब्जर्व करने का नहीं है. मैक्सिमम लेवल ऑफ केसेस जो है इंडिया में नज़र आ रहे हैं और ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं हम COVID-19 से. इवन कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ ज़ीरो लेवल के केसेस हों, बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस और डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं. तो इन सारी जितनी भी हमारी जो हम देख सकते हैं पोजीशंस हैं, जिस तरह की कंट्रीज़ के अंदर जो जो क्राइटेरियाज़ फॉलो हो रहे हैं COVID-19 को रिमूव करने के लिए, जिन जिन कंट्रीज़ ने जैसे इन्हें हैंडल किया, हमने काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी देखी, जैसे स्पेन देखा हमने, मैक्सिमम लेवल पे केसेस थे लेकिन आज की डेट में कोई भी केसेस नहीं है. तो क्या रीज़न है इन कंट्रीज़ के पीछे, किस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है इन सिचुएशंस को, इन सारी चीज़ों को समझने और देखने की ज़रूरत है इंडिया को. ओके, सो वी हैव टू वर्क ऑन COVID-19 एंड द सिस्टम दैट इज़ ऑलरेडी वर्किंग रिगार्डिंग COVID-19. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट. तो जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप ज़रूर इन आर्टिकल्स को पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट इन आर्टिकल्स को पढ़िए जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल पे ये आर्टिकल समझ में आए और इनसे रिलेटेड इश्यूज़ जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई क्वेरी है, कोई इशू है, कोई कमेंट है, यू कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट टेल मी, वी विल डेफिनेटली क्लियर योर इशूज़. और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम 7 बजे से पहले डालिए. तो देखिए कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से हमारे पास भी जो न्यूज़पेपर आता है वो थोड़ा सा लेट आ जाता है और न्यूज़पेपर आने के बाद भी उसे एनालाइज़ करना, उसके बाद में उसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कट शॉर्ट करके आउट करना, उन सब का एक अलग प्रेजेंटेशन रेडी करना और फिर उसके ऊपर जो है वॉइस ओवर करना, तो ये सारी चीज़ें और आपको एक्सप्लेन करना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. और इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट आई विल गिव यू दी एनालिसिस एज सून एज पॉसिबल, कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन कई बार कुछ इश्यूज़ आते हैं. जैसे पहले जो है 7 o'clock तक कर दिया जाता था यूजुअली पोस्ट,
लेकिन अब हमने थोड़ा जो फॉर्मेशन जो चेंज किया है इस एनालिसिस का, हमने जो थोड़ा पैटर्न चेंज किया है उन सारी चीज़ों से, अब आपके फंडास क्लियर होने लगे हैं और वो सारे आर्टिकल्स ही डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो इनको प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आना और फिर इनके ऊपर डिस्कशन करना काफ़ी जो है वो बन पड़ जाता है, काफ़ी बल्की हो जाता है। सो डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। इफ़ अगर पॉसिबिलिटी होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 7 से पहले पहले डाल दूँ। इवन हम भी यही चाहते हैं कि आपके लिए जो कम जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है या आपके लिए जो फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है, उसी चीज़ को हम भी फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और आपके लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ अस। दिस वॉज मी आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बी केयरफुल about COVID-19 and take care of yourself, be at home. Okay, bye bye, take care, have a great time ahead.